चलो, ए कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक। एक कार है, उसमें रिटार्डेशन जो है लाके हमने कुछ टाइम बाद ब्रेक लगा के उसको रोक दिया। यार कहाँ रोक दिए, 2 मीटर पे। लेकिन अगर उसकी स्पीड 40 से 80 बढ़ा दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो और आप इसको काइनामेटिक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं काइनामेटिक्स से ही करता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। पहला कंडीशन लगाओ, पहली जो कार थी यहाँ से u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से चली थी और फाइनली v इज इक्वल टू 0 हो गया, डिस्टेंस s1 चली, रिटार्डेशन वही कार है तो सेम रहेगा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 रिटार्डेशन a और डिस्प्लेसमेंट a s1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन जब इसको सॉल्व करोगे, अब ये स्पीड 40 से 80 हो गया यार। ठीक है, ये स्पीड 40 से 80, तो 0 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 AS2, क्योंकि रिटार्डेशन सेम रहेगा, कार वही है तो जो रिटार्डेशन है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू s1 अपान s2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 था, 0 ने 0 ने 0 को 0 को, और ये 2 और ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1, दैट इज 8 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस 8 मीटर हो गया होगा। सी ऑप्शन सही।